कर्नाटक के उदुपी के कॉलेज है, जहाँ पर तीन लड़कियां शाइफा, शबाना, आलिया, इन तीनों लड़कियों ने कॉलेज के बाथरूम के अंदर कैमरे छुपाए और इस कैमरे से वो जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी वीडियो शूट करती थी जब वो नहारी होती थी। और इन वीडियोस को एलेज किया जा रहा है कि इन वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा गया है अपनी कम्युनिटी के। आप एक बात ध्यान देखिए, वही चीज़ है जिस प्रकार से केरला स्टोरी में दिखाया गया था कि किस प्रकार से फोटो ली जाती थी, किस प्रकार से एक छत के नीचे रहकर दोस्ती बढ़ाई जाती थी और उन फोटोज़ को गलत गलत संगठनों में गलत गलत ग्रुप्स में भेजा जाता था। उस समय तो बहुत सारे जर्मन शेफर्ड आ गए थे अपनी पूछ लाते हुए कि ये तो सारी फेक न्यूज़ है, ये तो सारा प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस शासित सरकार का और पुलिस का ये कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसको जबरदस्ती एक धार्मिक एंगल देकर तूल दी जा रही है। कभी भी यकीन नहीं करूंगा कांग्रेस की सरकार पे, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 1992 में हमने साफ देखा है कि जब अजमेर सेक्स स्कैंडल चला था उसके अंदर कांग्रेस ने क्या किया था। अजमेर शरीफ दरगाह की फैमिली, जो केयर टेकर थी उनकी फैमिली, चिश्ती परिवार ने उस राज्य के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 250 से ज्यादा